हाय गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे फेस को देख के कुछ भी माइंड मत कीजिएगा। एक्चुअली आई एम नॉट वेल, पता नहीं क्यों अचानक से क्या हो गया। और मेरी अगर हेल्थ पे कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले असर जो है वो मेरे फेस पे आता है। और मेरी फेस पता नहीं कुछ अजीब सी दिख रही है अभी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। मैं बिल्कुल सही थी। तो हुआ था परसों पोला वैशाख के दिन। पोला वैशाख की ब्लॉग में आपने देखा होगा कि पूरा दिन मैंने अच्छा खासा बिताया, अच्छा स्पेंड किया मैंने। फिर आके रात को हम लोग जब सोने गए, तब पता नहीं अचानक से क्या हो रहा था मुझे। कभी थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही थी मुझे। मैंने ब्लैंकेट वगैरह जो मैं लेती हूँ एकदम पतला सा ब्लैंकेट, तो वो मैं ओढ़ के सोई थी। देन मुझे थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत पसीना सा हो रहा था। मैं ब्लैंकेट मतलब उतार दे रही थी, और कभी मेरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, तो ये सब कुछ हो रहा था। देन मैं कल जब उठी मॉर्निंग में, उठने के बाद मतलब सुबह नींद से उठने के बाद आपको क्या लगता है, थोड़ा सा फ्रेशनेस लगता है। तो आई वॉज़ फीलिंग सो टायर्ड। मैंने शेखत को कहा कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सो जाऊँ बस। पर मैं तभी सो के उठी हूँ, और फिर भी कुछ भी करके मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। शेखत को ब्रेकफास्ट दिया, तो मैंने भी ब्रेकफास्ट की। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप रेस्ट करो। तो मैं बस रेस्ट कर रही थी। मैंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। मैंने ना खाना बनाया, ना घर को झाड़ू तक नहीं लगाया। मीन्स ऐसा वाला मेरी सिचुएशन था। और पता नहीं मतलब थोड़ा सा फीवर फीवर लग रहा था मुझे अंदर ही अंदर, बहुत ही माइल्ड है। मतलब कोई अगर टच करेगा ना तो कहेगा कि हाँ थोड़ा सा टेम्परेचर लग रहा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। लेकिन अंदर से बिल्कुल भी अच्छा वाला फीलिंग नहीं आ रही थी मुझे। तो यही हो रहा था। फिर कल मुझे टिटनस भी लगवाना था, तो कल टिटनस तो इसी हालत में जाके मुझे लगवाना था, क्योंकि कल डेट थी मेरी। तो इसलिए कल हम लोग फिर गए दोपहर को टिटनस लगवाने। आने के बाद फिर भी अच्छा है कि फ्रिज में थोड़ा सा खाना था मेरा, दाल था, एक सब्ज़ी था, तो मैंने वो सभी गर्म करा है। और गर्म करके मैंने चावल बनाया था, तो उससे ही हम लोग खाना खा लिए थे। और खाना खा के मेरे हस्बैंड ही सब कुछ मतलब साफ वगैरह, बर्तन वगैरह वो सब करके वो गए हैं, क्योंकि दोपहर को उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मेरे लिए लंच बनाए, पॉसिबल नहीं है। देन मैं पूरा दिन लेटी रही, मैं सो गई। और थोड़ी देर बाद बाद मुझे बुखार आ रही है, एंड साथ में जो है वो चली जा रही है। जब वो जा रही है तब मैं पसीने से मतलब पसीना पसीना हो रही हूँ, तो बार बार ऐसा हो रहा है। और क्योंकि अब लोग जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेगनेंसी में आप किसी भी दवाई ऐसे ही आप नहीं ले सकते हो। फिर जब शाम होता गया तब और भी ज़्यादा मतलब बार बार कंटिन्यूसली फीवर आ रहा है, जा रहा है, ऐसा हो रहा है। और मैं पूरा दिन मैं लेटी रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया है कल बिल्कुल। मैं मतलब ऐसा मेरे साथ नहीं होता है कभी भी कि मैं थोड़ा सा भी मतलब मेरी हेल्थ ख़राब हो तो मैं पूरा दिन लेटी रहूँ, ऐसा नहीं होता है। पर कल कुछ भी मन नहीं कर रहा था मेरा। फिर शेखत आए ऑफिस से, फिर उन्होंने खाना बनाया, रात का जो डिनर है पूरा उन्होंने बनाया है, वही बनाए, वो मुझे उन्होंने मुझे खिलाया। फिर उन्होंने सब कुछ किचन वगैरह क्लीन किया, बर्तन वगैरह सब कुछ उन्होंने किया है। फिर हम सो गए रात को, और फिर मैं आज थोड़ी सी बेटर फील कर रही हूँ। आज सुबह से बुखार नहीं आई है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर आज भी रहता है तो ऑफकोर्स हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। कल जब मैं हेल्थ सेंटर गई थी, वहाँ पे शेखत ने पूछा कि अभी उनको थोड़ा सा फीवर है, क्या कोई प्रॉब्लम होगा इससे। तो उन लोगों ने कहा कि देखो, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा फीवर आए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फीवर रहे और कम ही नहीं हो रहा है, देन आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, आज के दिन देखते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज मीन्स अभी अगर मुझे फीवर आए तो डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली सुबह से मुझे बिल्कुल भी फीवर नहीं आई है, बस मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही हूँ, बस यही है। इसलिए आज भी मैं थोड़ा सा
रेस्ट ही कर रही हूँ। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया है और टिया आज आई है यहाँ पे। टिया पोला वोशक से पहले जो संक्रांति के दिन आते हैं, तो संक्रांति दिन कोई किसी के घर पे नहीं रहता है, तो टिया चली गई थी घर वापस और आज वो आई है। और वो वैसे भी आने वाली थी बिकॉज कल है ना जलपाईगुड़ी में इलेक्शन, तो इलेक्शन में शेखत को जाना था, मुझे तो ऑफकोर्स नहीं जाना था बिकॉज प्रेगनेंसी में इतना ट्रैवल करना अलाउड नहीं है और ऊपर से मेरी तबीयत तो अभी सही भी नहीं है, तो जाना तो नहीं बनता है। तो क्योंकि शेखत नहीं रहेगा तो और इलेक्शन के दिन डायरेक्ट शेखत नहीं जा सकता है क्योंकि ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है इलेक्शन के दिन, बसेस वगैरह ये सब कम रहता है, तो इसलिए शेखत आज जाएगा। और टिया आ गई है और फाइनली आज मुझे खाना बना बनाने की कोई हेडेक नहीं है क्योंकि मम्मी ने सारा खाना बना के भेजा है। बस टिया ने अभी आने के बाद उसने चावल बना के दिया है, तो बस हम लोग अभी करेंगे लंच। अभी लंच की वक्त हो गया है, मैं दिखाती हूँ मम्मी ने क्या क्या भेजा है, चलिए। और शेखत कह रहा था कि मतलब कल जो मेरी तबीयत थी, जो मेरी हालत था, तो शेखत कह रहा था कि अगर आपकी तबीयत ऐसी रहती है तो ऑफकोर्स मैं नहीं जाने वाला हूँ जलपाईगुड़ी, लेकिन फिर भी आज मैं सही हूँ, तो मैंने उनको कहा कि हाँ मैं अभी सही हूँ, आप जा सकते हो। तो वो जाएंगे शाम तक चले जाएंगे, वो ट्रेन से जा रहा है, तो 6 बजे की ट्रेन है शायद उनका, तो वो तभी जाएंगे। और यहाँ पे है सारा, मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा है सारा खाना जो मम्मी ने भेजा है, तो प्योर वेज है, आज मम्मी का दादाजी है ना, तो प्योर वेज खाना उन्होंने भेजा है, तो ये सब भेजा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा चारकोल का एक टुकड़ा है, माचिस यहाँ पे रखा है बिकॉज मम्मी ने ऐसे ही भेजा है। मम्मी का मानना है कि प्रेगनेंसी में ऐसे बाहर से खाना भेजना अच्छा नहीं होता है, ये उनका मानना है, इसलिए वो ऐसे ऊपर से डाल के भेजा है, ये छोड़ो ये उनका मानना है। तो यहाँ पे उन्होंने भेजा है पनीर, आलू की सब्जी, और ये है एक मिक्स्ड सब्जी, सब कुछ मिला के, ये सब खाना सब कुछ मेरा फेवरेट है। और ये है आम की चटनी, और उन्होंने भेजे हैं कुछ फ्राइज मीन्स पकौड़े, मैं दिखाती हूँ, तो कुछ मेरे लिए अलग से है। एक्चुअली मम्मी का मानना है कि मम्मी का क्या, यहाँ पे सबका ही मानना है कि प्रेगनेंसी में आप चावल के आटा जो होता है मीन्स राइस फ्लोर जो होता है वो आप खा नहीं सकते हो, तो मम्मी ने आज बनाया है। तो ये है पाट पतर पकौड़ा मीन्स जूट के जो पत्ते होता है ना उसका पकौड़ा, तो मेरे लिए अलग से बना के रखा है। तो अगर आप चावल का फ्लावर डालते हो ना इसमें तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, पर क्योंकि चावल का आटा खाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मम्मी ने मेरे लिए अलग से बनाया है। तो मैं अभी उसको ही थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मम्मी ने 70% फ्राई करके दिया था, क्योंकि हमें ऑफकोर्स टिया लेके आई है वहाँ से, तो ठंडा तो हो ही जाएगा, तो ताकि 30% मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है, मेरा वाला अलग से मैं कर रही हूँ, देन मैं उन लोगों के लिए अलग से भेजा है, उन लोगों का चावल का आटा मिला के बनाया है। पहले मैंने अपना वाला फ्राई किया है, अभी मैं उन लोगों का फ्राई करूँगी। आज तो टेस्टी टेस्टी खाना है मम्मी के हाथों का। तो ये है मेरा वाला पकौड़ा, मैंने फ्राई कर ली है, और ये है टिया एंड शेखत के लिए, तो इसे मैं अभी फ्राई कर रही हूँ, तो इसे मैं हल्का सा ऑयल लगा के मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है अभी भी मैंने उनको कॉल किया है, तो वो कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि वो आने के बाद खाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन वो निकल जाएंगे जलपाईगुड़ी के लिए, तो इसलिए मुझे तो लग रही है भूख, तो मैं और टिया खा लेती हूँ, देखते हैं वो कब तक आते हैं। और गाइस मुझे पता नहीं है ये सब अचानक से क्यों हुआ मेरे साथ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रहती हूँ, बिल्कुल भी ठंड वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वेदर जो है मतलब वेदर की डिफरेंसेस है यहाँ पे, कभी दिन में धूप हो रही है तो रात को तेज़ बारिश हो रही है, तो कभी ठंड कभी गर्म यहाँ पे ऐसा लगा ही रहता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा सावधानी में रहती हूँ, क्योंकि अभी ये सब आपके लिए सही नहीं है। जब भी थोड़ा सा भी ठंड पड़ जाता है मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, मैं रिस्क नहीं लेती हूँ क्योंकि टैंक का पानी इतना ठंडा रहता है,
लेकिन फिर भी पता नहीं अचानक से कहाँ से हो गया है। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप कुछ भी ऐसा नहीं करते हो ताकि ठंड लगे अचानक से। यह दिया तो अभी हम दोनों ही जो है वो अभी हम दोनों ही जो है वो खाना खा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड भी जो है वो आ गए हैं और अभी ये खाना खा रहे हैं। तो बहुत टाइम बाद आए हैं ये, तो खाना खाते ही ये निकल जाएंगे और मुझे अभी थोड़ी सी मीन्स एक नैप की ज़रूरत है। आई एम फीलिंग रियली टायर्ड, तो ये जाते ही मैं सो जाऊंगी, एक छोटा सा नैप लेने वाली हूँ, देन आई बी ओके आई थिंक। हे गाइस, तो अभी जो है अभी इवनिंग हो गई है और शेखत के चले जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। मैंने एक नैप लिया है और फिर मैं कुछ देर लेटी हुई थी, पता नहीं क्यों मन कर रहा था लेटे रहने के लिए। तो बस 2-3 घंटे मैं बेड पे ऐसे ही लेटी रही। अभी थोड़ा बहुत फ्रेशनेस फील हो रहा है मुझे। एक्चुअली आज तो बिल्कुल भी फीवर नहीं आई है, पर थोड़ी बहुत वीक फील कर रही हूँ मैं। और मैं अभी पी रही हूँ यह दूध विद मदर सॉलिक्स। तो ये इवनिंग में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये ऑलमोस्ट डेली मैं पीती हूँ मदर सॉलिक्स। और शेखर जो है वो कल ही वापस चला आएगा और वो कल बॉबी को भी साथ में लेके आएंगे। और मेरी प्रेगनेंसी के बाद बॉबी एक ही बार आई थी यहाँ पे जनवरी पे, फिर वो 10-12 दिन यहाँ पे रह के गई है मेरे पास। मेरे बर्थडे तक वो रुकी थी, अगर आपने बर्थडे ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता है। तो इसी वजह से वो रुकी हुई थी, क्योंकि कोई अगर होता है ना मेरे साथ तो मुझे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है, वरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्रेगनेंसी में सब कुछ संभालना। और घर का काम फिर भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे यूट्यूब भी साथ के साथ चलानी होती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है मुझे। कभी टाइम नहीं मिलता है प्रॉपर रेस्ट करने का। एंड आप सब लोग कभी कभी देखते हो ना कि बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स आ रही है मेरी, आप लोग कहते हो कि डार्क सर्कल्स क्यों आ रहे हैं आपके। तो यही था रीज़न। खाना वाना मैं ठीक से खा रही हूँ, पर रेस्ट थोड़ा सा कम हो पाता है मेरे लिए। मीन्स प्रेगनेंसी में जितना आपको रेस्ट करना चाहिए उतना रेस्ट मुझे नहीं मिलता था। यही वजह थी, क्योंकि दोपहर को जो मतलब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, दोपहर को मैक्सिमम डेज मैं रेस्ट नहीं ले पाती हूँ। दोपहर के टाइम पे मुझे एडिटिंग रहती थी, तो ये सब काम, अगर घर का काम थोड़ा सा कम हो जाए तो उस वक्त मैं थोड़ी बहुत एडिट कर लेती हूँ। तो बॉबी एक ही टाइम आई थी और अभी फ़िलहाल आने वाली है, तो वो कुछ दिन यहाँ पे रहेगी, तो टिया को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगी। बिकॉज मेरा पूरा प्रेगनेंसी तो टिया ने ही संभाली है, टिया ने ही सब कुछ काम किया है। तो बॉबी आएगी तो टिया थोड़ी दिन के लिए टिया घर जाएगी, रेस्ट करेगी, वरना वो यहाँ पे ही मैक्सिमम डेज जो है यहाँ पे रहती है। कभी कभी मैंने कैमरे पे दिखाया है उसको, कभी कभी मैंने कैमरे पे नहीं दिखाया है कि टिया यहाँ पे है, पर टिया है यहाँ पे, मतलब टिया थी यहाँ पे। तो अगर कभी कुछ सिचुएशन आती है, जैसे इलेक्शन आया था, इलेक्शन के टाइम टिया गई थी इलेक्शन मतलब वोट डालने, और फिर वो आ गई थी, फिर आया था संक्रांति तभी वो गई थी वापस, और फिर आ जाई है। तो ऐसा करके टिया यहाँ पे ही है मैक्सिमम टाइम, टिया यहाँ पे रही है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी, तो थोड़ा बहुत मुझे रेस्ट मिल जाती है। क्योंकि घर का बाकी काम अगर कोई संभाल लेता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और पता नहीं, शेखर तो कह के गया है कि कल ही वापस आ जाएंगे, पर देखते हैं कि आप आते हैं या नहीं। तो इलेक्शन के दिन गाड़ी वगैरह ये सब कम चलता है, तो पता नहीं वो मैनेज कर पाएंगे या नहीं।
और रात को डिनर बनाने की भी कोई आज बात नहीं है, बिकॉज जो जितना भी सब्जी मम्मी ने भेजा है दोपहर को हम तीनों ने खा के फिर भी बच गया है। तो बस रात को थोड़ा सा रोटी एंड चावल मैं बनाऊंगी और बस हो जाएगा। हे गाइस, सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। तो कल के बाद मैंने व्लॉग नहीं किया है और मैं अभी अभी डॉक्टर से चेकअप करवा के आई हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, कल अपने देखा था कि कल मैं बिल्कुल ठीक ही थी, पूरा दिन सही रही। मैं टिया के साथ बैठ के मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, बिल्कुल सही थी मैं। फिर आफ्टर डिनर आप लोगों से मैंने शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे भी आप लोगों से मैंने बात की। फिर आफ्टर डिनर क्या हुआ, आफ्टर डिनर मुझे बहुत ज़्यादा गुजबम्स आने लगे थे, मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं डिनर करके मैंने सब कुछ, बर्तन वगैरह तो टीआई कर रही है, सब कुछ छोड़ के मैं आ गई बिस्तर पे। मैंने एक पतला सा ब्लैंकेट ओढ़ के मैं बैठी रही तो टिया के देख रही है। टिया कह रही है कि क्या हुआ है तुझे, मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो टिया कह रही है कि मुझे तो गर्मी लग रही है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है, तबीयत फिर से ख़राब होने वाली है। फिर मुझसे बैठा नहीं गया, मैं फ़ौरन सो गई। टिया एक और ब्लैंकेट ला के मेरे ऊपर रख दिया है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था ना, मैं मतलब कांप रही थी ठंड के मारे। फिर उसके मीन्स 45 मिनट्स एक घंटा बाद मुझे फीवर आया। तो फीवर पहले से कंपेयर करूँ तो फीवर उससे ज़्यादा ही था, तो बहुत ज़्यादा फीवर आया। फिर टिया ने एक रात के एक डेढ़ घंटा बैठ के उसने मेरी जलपट्टी किया है। फिर हम लोग बहुत रात हो गए सोते सोते। कल हम लोगों ने सोया था करीबन एक बजे से, एक बजे के बाद हम लोगों ने फिर सोया था। तभी भी मेरी बुखार जो है वो उतरी नहीं थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अब सो जाना चाहिए। और टिया ने ऑलरेडी शेखत को मैसेज कर दिया था, क्योंकि टिया भी थोड़ा सा घबरा गई थी ना, कोई नहीं है घर में, सिर्फ हम दोनों ही हैं। तो शेखत तो बहुत ज़्यादा टेंस्ट में आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहते थे। फिर जब मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर हुई इसलिए वो गए हैं, एंड वहाँ पर जाके तो बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। फिर वो उन्होंने मतलब फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, तो मैंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। और मतलब आप कुछ भी तो ऐसा आप नहीं खा सकते हो ना, मतलब बिना डॉक्टर को पूछे आप कुछ भी मेडिसिन वगैरह नहीं ले सकते हो प्रेगनेंसी के टाइम। तो पता नहीं कल बहुत तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो रखा था मेरी। फिर मैं सो गई थी, फिर करीबन ढाई बजे अचानक से मतलब मेरी आँख भी लग गई थी थोड़ा सा। फिर ढाई बजे के करीब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, मीन्स तब बुखार जो है वो बिल्कुल उतर गई है, चली गई है। तो मैंने देखा तब व्हाट्स द टाइम नाउ, तो मैंने देखा कि ढाई बज गए हैं और इतनी देर तक फीवर रही मेरी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब तो और रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि कल बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ। तो हमने सोचा था कि बुखार चली ही गई है, वो फीवर लौट के वापस नहीं आएगी, तो इसलिए हमने कल विज़िट नहीं किया था डॉक्टर को। लेकिन आज तो फ़िलहाल विज़िट करना ही है, तो सुबह सुबह शेखत ने अपॉइंटमेंट ले रखी थी डॉक्टर की। तो टिया और मैं हम दोनों ही गए थे। और आज सुबह से पता नहीं, सुबह से उठने के बाद मेरी जो हाथ वगैरह यहाँ पे नेक और बैक पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि टिया थोड़ी सी लेट उठती है, तो फिर भी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। खाने का भी मन नहीं कर रहा था पर फिर भी खाया कि खाना तो चाहिए, फिर भी मैंने खाया। और फिर मैंने टिया को कहा कि तुझे जो करनी है तो थोड़ा सा भी कुछ कुकिंग वगैरह कर ले, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा और कि मैं लंच बनाऊँ अभी, तुझे जो भी आता है, मतलब टिया को बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं आती है। फिर मैंने कहा कि तुझे जो भी समझ में आता है थोड़ा सा चावल में आलू डाल के बॉयल कर ले, फिर भी हम लोग खा लेंगे लंच में, क्योंकि मैं बना नहीं सकती, मेरा भी वैसा वाला कंडीशन नहीं है कि मैं लंच बनाऊँ। और
फिर टिया ने आज सारा जो है वो खाना बनाया है, उसने करेला फ्राई किया है, दाल बनाया है, फिर ऑमलेट बनाई है, तो हम दोनों ने खा लिया है वैसे ही। और फिर डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी हमारी 3:30 बजे की, तो जस्ट हम लोग अभी अभी वापस आए हैं डॉक्टर से विज़िट करके। तो डॉक्टर ने कहा है कि मे बी यूरिनल इन्फेक्शन है, तो उन्होंने कहा कि ईचिंग वगैरह कुछ होता है क्या, तो मैंने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है मेरे साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यूरिनल इन्फेक्शन है। तो उन्होंने फिर भी कहा है कि ठीक है, फिर भी आप एंटीबायोटिक ले लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिनल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है, या मे बी आपको ठंड लग गई है कहाँ से भी। तो मुझे ना सच में पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से ठंड लग गई है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ मुझे यही चीज़ याद आ रही है कि हम लोग जब रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए थे ना, तब एसी जो था ना हमारे बिल्कुल करीब था एसी, एंड वहाँ से डायरेक्ट एसी का जो हवा आ रही थी हमारे हमारे टेबल पे, एकदम हमारे टेबल के पीछे ही एसी था। तो उसी वजह से क्या, अगर मुझे ठंड लगी है तो सिर्फ उसी वजह से हो सकता है, वरना और कोई भी वजह से मुझे ठंड नहीं लग सकती है। तो और तो कुछ होने का चांस नहीं है, तो फिर भी उन्होंने कुछ दवाई वगैरह दिया है, तो उन्होंने कहा कि 4-5 दिन ये सब मेडिसिन लेते रहो। तो उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स दिया है एंड फीवर के लिए मेडिसिन दिया है, तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन लेते रहो कुछ दिन, देन अगर फिर भी आपकी तबीयत जो है वो ठीक ना हो, देन आपको मतलब कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करनी है, जैसे टाइफाइड की उन्होंने दिया है, और क्या यूरिनल एक टेस्ट दिया है, और मलेरिया की, ये सब 3-4 तरह की टेस्ट उन्होंने दे के रखी है। मैं देखती हूँ मेडिसिन वगैरह लेके, मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि मेडिसिन लेने से कम हो जाएगा शायद, देखते हैं, आई होप सो। और बस अभी क्या, शिरकत आज ही रवाना होंगे, आज ही वहाँ पर इलेक्शन है, तो आज वो ट्रेन से वापस आ रहे हैं, क्योंकि बस तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज शिरकत एंड बॉबी दोनों आ रहे हैं, तो वो लोग आते आते शाम हो जाएंगे आई गेस, इसलिए मैं और टिया हम दोनों ही गए थे डॉक्टर को विजिट करने। और टिया भी बैठ के टीवी देख रही है, एंड टिया इज़ हेल्पिंग मी सो मच, वो नहीं होता ना पता नहीं क्या होता। और मैं इस वीडियो को और ज़्यादा नहीं खींच रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है सच में, और जस्ट आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एंड मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।